हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी टॉक में। आज हम बनाने जा रहे हैं लिट्टी चोखा, जो कि बिहार, झारखंड और यूपी में सबसे ज्यादा फेमस है। ये डिश इन तीनों जगहों के अलावा पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही फेमस है और आज हम इसे बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चोखा, तो उसके लिए हमने बैंगन को धो लिया है और इसको इस तरह से कट करना है। हाथ पे ऑयल लीजिए, तो इस तरह से ऑयल लगा दीजिए। इस पे हम बैंगन को ऐसे रख देंगे सेकने के लिए। अब इसको हम पकने के लिए सीम गैस पे छोड़ देंगे। अब हमें लिट्टी बनाने के लिए हमने लिया है 3 कप आटा। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और थोड़ा सा अजवाइन और बड़े चम्मच से 3 चम्मच इसमें हम ऑयल डालेंगे। ये पास छोटा चम्मच है और फिर इसको एक तरह से मिक्स करना है। आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालने हैं और इसको लगा लेना है। जितना हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा कड़क, और लास्ट में एक चम्मच तेल से इसको आटे का डो रेडी हो गया है। अब हम बैगन को इस तरह से पलट पलट के सेक लेंगे। ये हमने सत्तू लिया है, 200 ग्राम सत्तू है। इसमें हम मसाले डालेंगे। मैंने 2 छोटा बारीक प्याज कट कर लिया है, फिर 1 इंच अदरक का बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच मैंने लिया है, स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए, 1/2 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच कलौंजी, इसको मंगरैल भी बोलते हैं। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और 1 नींबू का रस, और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से मिक्स हो जाएगा और अब हम इसको आटे के बॉल में भर दें। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे इस तरह से और इसको आटे में ऐसे रोल करेंगे, इसके अंदर ही स्टफिंग भरेंगे। बाटी हम आपो में बना रहे हैं इसलिए इतनी छोटी छोटी बना ली है। इसको फ्राई करके भी बनाते हैं। ये हमारी बाटी हो गए हैं और इसमें ऑयल डालेंगे। और हम इसमें हम रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे इसको हमें पलटते रहना होगा, नहीं तो ये जल जाएगा।
कब हमें इसे ताकि ये जले नहीं, थोड़ी थोड़ी देर पे इसको ऐसे पलटते रहना है। अब हम फिर से इसको ऐसे पलट लेंगे। अभी धीरे धीरे पकने शुरू हो गए हैं और इसके कलर भी ब्राउनिश होने लग गए हैं, तो हमें इसको हर तरफ सब तरफ से पकाना है, नहीं तो कहीं पकेंगे और कहीं कच्चे रहेंगे। देखिए ये हमारी बाटी सीख के पूरी अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इधर हमारे बैंगन भी पक रहे हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं पूरे। पक चुके हैं, आइए अब इनको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। अब इन्हें हम छील लेते हैं। आइए धीरे धीरे गर्म है ये अभी, तो आराम से ये हमने छील लिया है टमाटर और बैंगन को। अब इसको हमें ऐसे मैश कर लेना है। अब इसमें हम 3 से 4 आलू डालेंगे। मैंने इसको पहले ही बॉईल करके रख लिया था। इसमें हम डालेंगे थोड़े से प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया। इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप नींबू डाल सकते हैं, आधा। और ये है सरसों का तेल, इसको यहाँ इसमें डालना जरूरी होता है, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसमें अब हम नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक है। और बस अब इसको आप मैश कर लीजिए, फिर आपका ये चोखा तैयार है खाने के लिए। तैयार हो गई है ये देखिए। अब इसको हम घी में डिप कर लेते हैं। घी ऑप्शनल है, आप चाहिए तो लगाइए या फिर मत लगाइए। ये हमारा स्वादिष्ट लिट्टी और चोखा बनके तैयार हो गया है। आप इस तरह से इसको रखिए और खाइए। दोस्तों अगर ये आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।